तो यहां पर दोस्तों फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा क्विकली करते हैं, मैं वैसे पक गया हूं, कुछ नया करते हैं। देखा चुटकी हो गया। तो गाइज अब बात करते हैं इसकी डिजाइन के बारे में, जो कि बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, बट मैं एक चीज आप लोग को बता सकता हूँ कि जिस प्राइस सेगमेंट पे फोन आ रहा है ना, उस हिसाब से इन लोगों ने पूरा प्रीमियम टच देने की कोशिश की है। बैक पैनल की जो फिनिश है वो मुझे बहुत सही लगी, और साथ में 6.6 इंच का ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन कौन सा है वो मुझे पता नहीं है, मुझे पता लगा मैं डिस्प्ले पे मेंशन कर दूंगा। और डिस्प्ले काफी ब्राइट है, 1300 निट्स आउटडोर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको, और HDR 10 प्लस को सपोर्ट करती है। और इसके अंदर रियलमी का कहना है भाई 600 यानी कि 600 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। बाकी ये 600 हर्ट्ज सिर्फ गेमिंग में काम करने वाला है कि यूआई में काम करने वाला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो हैप्टिक्स है बहुत ज्यादा कमाल के है। डुअल स्पीकर सच में काफी ज्यादा लाउड है, और हेडफोन जैक इसमें नहीं है, ये कैसे बताना भूल गया यार मैं। यहाँ पर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिलता है। यार देखो कितना ज्यादा फास्ट है ये, बहुत मस्त चीज लगी यार। दोस्तों कैमरे की तरफ आते हैं, आपको 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है। आई एम नॉट श्योर ये कौन सा सेंसर है, शायद मुझे लगता है कि सैमसंग ही होगा, उन्होंने मेंशन तो वैसे नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है सैमसंग होगा। 4K 60fps पे आप मैक्स शूट कर सकते हैं, आपको EIS मिलता है, OIS वगैरह नहीं मिलता है। और उसके अलावा उन्होंने कैमरे में ना बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, और ज्यादातर ओप्पो के फोन से भी काफी इन्फ्लुएंस हुआ है ये। तो रियलमी के फोन्स में आजकल आपको कैमरे में ना बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे, और इसमें भी आपको वैसे ही मिलता है। उसके अलावा दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर है, 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का उन्होंने मैक्रो या जो भी है ब्लैक एंड व्हाइट पता नहीं, पर इसकी जरूरत नहीं थी, अगर थोड़ा जूम वूम भी देते तो बेटर होता। हालांकि प्राइमरी में आप अप टू 20x जूम कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आई एम नॉट फैन। और सामने 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यहां पर आप मैक्स फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं EIS से, नाइट मोड, और ज्यादातर जो रियर कैमरे में फीचर्स है वो आपको सेल्फी में भी मिलते हैं। मैं कुछ फोटोज वगैरह आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, जरूर देखिएगा। जनरली रियलमी के फोटोज अच्छे आते हैं नॉर्मल कंडीशन में, एंड रियलमी GT Neo 2 इज नो डिफरेंट, अच्छा कैमरा है। लो लाइट में वगैरह हमने ज्यादा अलग अलग कंडीशन में ट्राई नहीं किया हुए, लेकिन जो भी फोटोज दिखा रहा हूं आप जरूर बताइएगा आपको कैसे लगे। यहां पर एक रियलमी जो स्नैपड्रैगन 870 पिक किया है ना, मेरे हिसाब से सुपर चॉइस है, क्योंकि इस वाले प्रोसेसर के अंदर कोई हीटिंग नहीं है, और क्या लाजवाब परफॉर्मेंस लाकर देता है। मैं सिर्फ ऐसी नहीं बातें बोल रहा, एक बार इसका ना यहाँ पर N22 के स्कोर्स देखो, 720,000 आए, बहुत कमाल के स्कोर्स माने जाते हैं। और साथ में यहाँ पर आप लोग को Geekbench दिखाता हूँ, और मैंने CPU थ्रॉटलिंग रन किया था, पूरा का पूरा ग्राफ जो है ग्रीन है, तो अगर आप इसमें गेमिंग भी करना चाहो तो लाइक बहुत मस्त होगी। और मैंने जो है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ का स्ट्रेस टेस्ट भी रन किया था, 99% करीब करीब इसकी स्टेबिलिटी आई है, जो कि लाइक बहुत कम CPU में आती है। मैं आप लोग को बता रहा हूं गाइस, पूरा पावर हाउस है ये, और काफी ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस लाकर देता है। मैं आपको गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताना भूल गया, लेट मी टॉक अबाउट दैट। गेमिंग परफॉर्मेंस वाज आल्सो क्वाइट गुड, स्पीकर्स वगैरह हैं तो जब आप खेलते हो स्पीकर्स पे आपको मजा आएगा, बट दैट 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 600 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट, जो टच सैम्पलिंग रेट है इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट, मुझे लगता है OnePlus 9RT में आने वाला है वो, ऐसे कहा जा रहा है, रूमर्स है, इसमें भी है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट टच सैम्पलिंग रेट। और जब आप खेलते हो गेम्स वगैरह खेल रहे हो, गन्स वगैरह यूज कर रहे हो, गोली वगैरह मार रहे हो, यू कैन फील दैट। उतना ही नहीं, इसमें वेपर कूल चेंबर है, जिसकी वजह से कुछ आधे घंटे तक हमने गेम खेला BGMI वगैरह दोस्तों, एंड हाईएस्ट सेटिंग पे खेला, बाय द वे इट डिड नॉट हैव एनी हीटिंग प्रॉब्लम। थर्मल्स वगैरह हाँ थोड़ा वार्म वगैरह हो गया, बट दैट इज एक्सपेक्टेड, थर्मल परफॉर्मेंस इज ऑल्सो क्वाइट गुड। वैसे एक फीचर आता है दोस्तों जहां पे गेम मोड है इसके अंदर, फर्स्ट थिंग, एंड जब आप खेल रहे हो टच सेंसिटिविटी कम ज्यादा आपको करनी है वो भी आप कर पाओगे। तो गाइज अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, अब ध्यान से सुनना, इसमें जो है 5000 mAh की बैटरी है, 65W की चार्जिंग है, 36 मिनट में फोन फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन ये चीजें हमने पहले भी देखी हुई है, सच में ये बहुत ज्यादा कमाल की बात। प्राइस आई एम नॉट श्योर, चाइना में बेस वेरिएंट जो था लगभग 28,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, इंडिया में मुझे लगता है शायद 30,000 से स्टार्ट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। डिस्क्रिप्शन कमेंट में आप जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए, आपकी क्या राय कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।